अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ आमना और मेरे साथ है मेरी अम्मा इरम। यह है हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद आमना। आज हम लोग बना रहे हैं क्रीमी प्रॉन्स हांडी। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम, हम बना रहे हैं क्रीमी प्रॉन्स हांडी जो कि अचानक ही मूड बन गया। मैंने ये देखिए, इसमें प्याज है, लहसुन है, जीरा, कलौंजी, एक हरी मिर्च कटी हुई और जो है एक तेज़पत्ता, दालचीनी वो, और उसके साथ ही डाल रही हूँ मैं ऑयल डाले और ये मैंने थोड़ा बटर डाल दिया। ये खड़े खड़े बनने वाली हांडी है, मैं चीज़ें डालती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी। चलिए जी, ये देखिए, अब मैं इसके अंदर, ये मेरे पास छोटे वाले प्रॉन्स हैं क्योंकि ये बाइट साइज ही अच्छे लगते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रॉन्स से ये हांडी नहीं बनेगी, ये छोटे प्रॉन्स से बनेगी। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करके फिर मसाले डालती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें ओरिगानो डाल दिया, ओरिगानो, ठीक है, और जो है वो बस इसका, ये देखिए थोड़ा सा मिक्स किया मैंने। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, मैं डाल रही हूँ, आप देखें, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। इसमें हरी मिर्ची ज़्यादा हैं और इसी वक्त मैं पके हुए टमाटर डाल दूँगी। ये पके हुए टमाटर 2 टेबल स्पून भर के बस। अब मैं इसकी थोड़ी भुनाई करती हूँ, उसके बाद मसाले डालूँगी। ये देखिए जी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दें आप इसमें और थोड़ी सी फ्रेश रेड चिली। इसकी वजह है कि मैं अचानक ही बनाई, मैंने अलग से कुछ नहीं रखा, ये चाहिए अंदर, ठीक है। अभी हमने सॉल्ट नहीं डाला है, सॉल्ट अभी नहीं डालेंगे हम। ये देखिए, ये अच्छे से भुन गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ योगर्ट। हमारे योगर्ट ऐसा होता है क्रीमी क्रीमी, उसको बीट करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा योगर्ट को पका कर मैं इसमें डालूँगी पानी, बस मैं इसको थोड़ा योगर्ट को ना पका लूँ। इसमें नमक डालूंगी, पानी नहीं डालूंगी, गलती हो गई, गलती हो गई। अच्छा जी, सॉल्ट जो है अपने मतलब मुँह के जायके के हिसाब से, सही है, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालेंगे, मैंने डाल दिया है। अब इसी वक्त जिसके अंदर फ्रेश मेथी डाल देंगे क्योंकि आज मेरे पास सूखी मेथी नहीं है, मैं डायरेक्ट फ्रेश मेथी डाल दी है। अच्छा देखें, ये मेथी भी डाल गई। ये पूरी जो हांडी है ना, ये खड़े खड़े बनेगी, बैठने की जरूरत नहीं है, आपको बैठने की जरूरत नहीं है, कोई सीन नहीं है गड़बड़ करने का, ठीक है। देखिए, ये हो गया। अब मैं इसके अंदर पूरा जो है क्रीम का डब्बा डाल दूँ। जब बंदा बता ही रहा है तो बिल्कुल खोल के डाल दूँ, कंजूसी की जरूरत क्या है, ग्लो कंजूसी नहीं, ग्लो कंजूसी की बात नहीं, जब डाल ही रहे थे तो तरीके से डालना, अब क्रीम खानी ही है तो तरीके से खाना। अब इसी वक्त मैं जो है ना पिसा हुआ गर्म मसाला डालूंगी। ये देखें, गर्म मसाला भी चला गया, बस ख़त्म हो गया। इसमें थोड़ी भी बनाइए, कोयले का दम है, फिर मैं हरी मिर्च वगैरह डाल दूँगी। अच्छा ये देखें, मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डाल रही हूँ और बस मैं इसको जो है ना वो दम पे लगा रही हूँ, तैयार है ये। थोड़ा सा मक्खन डाल के बस बन गई। ये देखें, ये भी हो गया और ये एक पीस मक्खन भी गया और चूल्हा बंद हो गया, ठीक है। अब सिर्फ कोयले का दम है, थोड़ी देर में लगाती हूँ। अच्छा जी, ये देखने, ये रेडी है। अब इसको हम जो है ना माइक्रो में रख रहे हैं और चीज़ ताकि एकदम मेल्ट हो जाए और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। जी तो हमारा हमने बना लिया है और ये हमने भी डिश आउट कर दिया है। देखें, हमने इसे चीज़ डाली हुई है, ऊपर हमने कोरिएंडर के साथ क्रश रेड चिली और ये इसका फाइनल लुक है। आप अच्छे से देख रहे हैं, हमने दिखाना चाहे तो ये क्रीमी प्रॉन्स चीज़ हांडी है और बहुत ही यम्मी, फुल जूसी, ये देखिए। और तो आई होप आप लोग को हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अब आप लोग हमें इजाज़त दीजिए, आप लोग सब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।